जी मिक्स करके सब्जी के साथ। जी मैंने बोल रखा ना घी नहीं खाना, तो घी का दूसरा आइटम तो खा सकते हैं। रोटी भी खा लो फिर, उसके ऊपर लगा के खाना। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी वीडियो स्टार्ट करते ही साथ दोबारा से हमारा नहीं शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मेरे साइड में हेलमेट रखा हुआ है, ठीक है, और इसको उस हेलमेट को खाना है, मतलब उसको ना खराब करना है। क्यों? क्योंकि ना इसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि इसके आगे जो भी सामान आएगा ये उसको खराब करेगी। अगर उसको खराब नहीं करेगी तो उसके पेट में दर्द हो जाता है। फिर आयो आयो लड्डू आजा 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 मुलो कुजू बदतमीज है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया, दवाई मैंने अपनी ले ली। मुझे खाली पेट दवाई लेनी होती है थायराइड वाली, वो मैंने अपने ले ली है। और खाना खाने के बाद मेरे को एक और मेडिसिन लेनी होती है, वो मैं खाना खाने के बाद लूंगी। और अभी 12 बजने वाला और अभी तक मैं भूखी हूँ, क्योंकि मैंने पता क्या सोचा, इतने में नहा रही हूँ, इतने में नहाते नहाते ना कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, उधर मैं नहाने चली गई, उधर मैं मशीन स्टार्ट करके चली गई, उधर कपड़े धुलते रहे। तो फिर बस वही मैंने कहा चल यार इनको सुखा देती, फिर दूसरी उसके कपड़े डाल दिए, मैंने कहा चल इसको भी सुखा। ऐसे करते करते ना मेरे को 12 बज गए। अभी जा रही हूँ उस गली में कुछ खाने के लिए, क्योंकि 2 से 3 बजे के बाद मैं रोटी नहीं खाती। क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रही थी मैं जिम जाऊंगी डाइटिंग करूंगी, जिम जाऊंगी डाइटिंग करूंगी। तो काफ़ी दिनों के लाइक 1 वीक हो गया हमें जिम जाते हुए, मुझे 1 वीक नहीं हो, मन्नी को तो हो गया 1 वीक जिम जाते हुए, मुझे तो अभी शायद 1 2 3 हाँ मेरे को तो 4 डेज हुए। और 4 डेज में मेरे को थोड़ा सा इफेक्ट पता लग रहा है। तो मैं बिल्कुल रोटी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे को दवाइयाँ भी खानी पड़ रही है, सो उसके लिए एनर्जी चाहिए। दूध वगैरह तो पी नहीं सकते है ना, क्योंकि वेट लॉस करना है, गेन नहीं करना इसलिए। और सिर्फ फ्रूट से मेरा गुजारा नहीं होता भाई। तो मैं दोपहर में 2 रोटी खाती हूँ सिर्फ 2। भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ। मन्नी के कपड़े पहनने, पता नहीं मुझे क्यों बड़े कपड़े पहनने में मजा आता है। खुद के पास है लेकिन फिर भी नहीं, चुरा के पहनने का मजा ही अलग है। गैस ऑन कर दी, ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट कर लिए 2 प्याज 3 प्याज छोटे साइज की, इसलिए मैंने 3 लिए, बड़ी होती तो एक ही बहुत थी, मतलब इतनी बड़ी लाइक। और 2 हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें जो कटी हुई होती है ना, वो जब मुंह में आती है ना सब्जी में जब हम खाते हैं, तो उसका जो थोड़ा वो स्पाइसी वाला फ्लेवर आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये पीसी हुई हरी मिर्चें हैं, ये तो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ। ये डालेंगे, अब मैं डाल देती हूँ जीरा। जीरा भुन गया, प्याज और हरी मिर्चें। जब तक ये भून रही है तब तक टमाटर कट कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो गई, अब टमाटर ऐड कर दो। नमक शमक डाल देते हैं। नमक शमक में मैं ये सूखा धनिया भी ऐड करूंगी, ये मैं हर चीज में डाल देती हूँ, हर चीज में, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए। हरी मिर्चें पिसी हुई, धनिया। 2 मिनट पकाओ, फिर हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, ऐसे उसको बुचुर बुचुर करके पूरा। ओके, ये भुन गया अच्छी तरह, अब ये रहा पनीर, ये पनीर ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। 2-4 मिनट इसको भूनेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, फिर इसको हम रोटी के साथ खाएंगे। ओके, एंड 2 रोटी, तो मैं फटाफट खाना खा लूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो। लंच मेरा हो गया, ये रहा गर्म पानी, पानी है देख लो, चाय वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ये पीऊंगी। मुझे अभी से नींद आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैंने दवाई ले ली और दवाई लेने के बाद मुझे नींद आती है। तो मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, जौन सी मुझे मेडिसिन लेनी होती है ना, वो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि मैं रात में लेती हूँ, ताकि फिर मैं उसके बाद सो जाऊँ। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, मेरी नींद गायब हो जाती है। मेरे को गर्म पानी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन पीना पड़ रहा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते।
तो बस अब मैं पी के 5-10 मिनट में आराम से लेटूंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि नींद आनी स्टार्ट हो गई मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मैं आप लोगों को ही नहीं, मुझे फिर शीट मास्क भी लगाना है। मैं वीक में एक बार लगा लेती हूँ, गुड वाइब्स के मंगा के रखे हैं मैंने, तो शीट मास्क भी लगाना है मेरे को, वो मैं सो के उठ के तब लगाऊंगी। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी बाद में, पहले अपनी नींद पूरी कर लूँ। अगर उससे पहले मन्नी आ जाते हैं, क्योंकि अभी मन्नी घर पे नहीं है, अगर उससे पहले मन्नी आ जाते हैं तो तब मैं दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर सो के उठने के बाद जब जिम जाने का टाइम हो जाएगा तब। बाय बाय। हेलो मन्नी, क्या कर रहे हो? अच्छी मिक्स करके सब्जी के साथ। जिम वाले बोल रहे हैं घी नहीं खाना, तो घी का दूसरा आइटम तो खा लेते हैं। रोटी भी खा लो फिर, उसके ऊपर लगा के खाना। ची 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 ची। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सी नैप ले ली थी, सो गई थी मैं, तो मैं बस अभी सो गई थी 10 मिनट पहले। और अभी जिम जाने के लिए तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए, लेकिन अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। तो मैंने सोचा कि मैं 1-2-3-4-5-6 मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अभी मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं जो वो मेडिसिन लेती ना उसके बाद यार नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों क्यों क्यों। दिल है ये मेरा, हो तेरा घर ये नहीं है। इंस्टा पे रील्स बना बना के ना उसी के सॉन्ग से याद हो गया मेरे को। तो जब तक नहीं मतलब, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जब मैं शीट मास्क लगाने की कह रही थी ना, तो वो मैं जिम से आने के बाद ही लगाऊंगी, फिर अभी नहीं लगा रही। क्योंकि शीट मास्क लगाने के बाद अगर हो सके ना तो फेस पे डर्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो वो सीरम लगता है ना हमारे फेस पे, तो वो फेस को ना वो सॉफ्ट बना देता है। तो उसके बाद अगर आप डर्ट और मेकअप से बचो तो ही ठीक है। वैसे जिम में मेकअप तो क्या करना, मेकअप तो कुछ नहीं करना। और जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है ये भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि मैं लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं जाती जिम, यार पसीना आता है तो सब ऐसी भेज जाएगा ऐसी, फिर खुजली वुजली भी लग जाती है आँखों में, फिर मैं ऐसे पसीने से मुँह ही पूछ लेती हूँ, सब उलट पुलट हो जाएगा। तो मैं ऐसे सिंपल रहती हूँ बिल्कुल, सिर्फ लिप ग्लॉस लगा के। तो बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं जिम मनी के साथ, तो मेरे को जिम के लिए रेडी भी होना है। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी जिम जाते टाइम। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, चोटी मैंने नहीं खोली, मैं जिम में ऐसे बना के रहती हूँ, यहाँ रबड़ बैंड देन चोटी कर लेती हूँ फिर रबड़ बैंड, क्योंकि जब जंप वगैरह करते हैं ना और ट्रेडमिल करते हैं तो मेरे बाल ना खुल जाते हैं, जूड़ा बना के रहती तो भी खुल जाता है, अगर ये चोटी नहीं कूद के जाऊँ ना तब भी खुल जाते हैं, अगर नॉर्मल यहाँ पे एक रबड़ बैंड डालूँ तो भी। तो इसलिए मेरे को ऐसे करके जाना पड़ता है। फेस वॉश कर लिया मैंने, मैं ये लगा रही हूँ, भूल भी गई मैंने पहले ही फाड़ दिया, ये गुड वाइब्स का नहीं, सॉरी गुड वाइब्स नहीं है, दी फेस शॉप है, हाँ गलत बता दिया था मैंने, ये क्यूकम्बर वाला ये लगा रही हूँ मैं। वीक में या 10 डेज में लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ खास मैं बाहर जाती नहीं हूँ घर से, तो 10 डेज 15 डेज भी हो जाता है कभी लगा लेती हूँ। और उसमें देख लो कितना सारा सीरम है, ओ माय गॉड, इसको खोल लूँ पूरा। मैंने पहले आप लोगों को एक बार शायद बताया भी था हाउ टू अप्लाई फेस मास्क, वो सॉरी शीट मास्क। तो मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, उधर से डेजी बोल रही है, और मैं आप लोगों से मिलूंगी 10 मिनट बाद। नहीं मिलेगा, शीट मास्क मैंने हटा दिया, और अभी आपको मेरे फेस पे हल्का हल्का ऐसे कुछ ग्लोसी ग्लोसी सा नजर आ रहा होगा। तो जो ये इसका सीरम था ना वो मैंने फेस पे अप्लाई कर रखा, अच्छे से मसाज भी कर लिया, अभी थोड़ा सा बच गया, अपने आप ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। देरी बेटे देरी ले। तो अभी मैं एक एप्पल खा रही हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, काटा एक है मिलेगा मुझे आधा, क्योंकि
फ्रूट्स की दीवानी अगली। तो ये व्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डेजी बाय बाय बोल दे, डेजी की तरफ से भी बाय बाय, मेरी तरफ से भी बाय बाय। डेजी तो एप्पल खाएगा, डेजी को मैं एप्पल खिला दूँ, मैं खुद भी खा लूँ। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं इससे निपट लूँ, आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।